खबर विदिशा से है, जहां लटेरी के खेरखेरी गांव में बोरवेल में गिरने से 7 साल के लोकेश की मौत के बाद जिला प्रशासन जागा है। कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम ने 2 आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। दरअसल खेरखेरी गांव में नीरज और रघुवीर अहिरवार ने अपनी जमीन पर बोरवेल खुला छोड़ा था। खेलते हुए लोकेश बोरवेल में चला गया था, जिसका 24 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हालांकि प्रशासन बच्चे को नहीं बचा सका। इसके बाद कलेक्टर ने जिले में खुले बोरवेल छोड़ने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने उस बोरवेल में से केसिंग निकाल दी और पूरे बोर को खुला छोड़ दिया, जिसके कारण दुर्घटना हुई। इसमें 2 व्यक्ति दोषी पाए गए थे, नीरज अहिरवार पिता राधेलाल अहिरवार और रघुवीर पिता बारीलाल अहिरवार। इनके विरुद्ध में 304A 34 IPC की धारा के तहत हमने मुकदमा रजिस्टर किया है, साथ ही 151CRPC के तहत भी हमने इनको अभी जेल भेजा हुआ है। आनंदपुर थाना क्षेत्र के खेरखेड़ी गांव में हुई दुखद घटना को लेकर मेरा सभी विदिशा के नगरवासियों एवं किसान भाइयों से यह अपील है कि अपने खेत में किसी भी प्रकार का बोरवेल को खुला एवं असुरक्षित न छोड़ें। यह हमारी जान माल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, तथा यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के खुले एवं असुरक्षित बोरवेल पाए जाने पर संबंधित थाने तथा कंट्रोल रूम के नंबर 7587625001 पर सूचना दे